हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ सेक्शन का लेसन 5 समांतर श्रेणी। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78वां होगा। ठीक है, तो हम आगे शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसकी थ्योरी में बताया था कि प्रथम पद को ए बोलते हैं, तो A1 बराबर 3 है और A2 बराबर 8 है। तो हम A1 और A2 के बीच का अंतर निकालेंगे, जिसको हम D से दर्शाते हैं। D जिसको हम सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, तो A2 माइनस A1 होता है, तो 8 माइनस 3 तो ये आएगा 5, यानी सार्व अंतर है 5। इसी तरह हमको निकालना है कि 78वां पद कौन सा होगा। ठीक है, तो ये 78 है, कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो ये An का मान है, An बराबर है 78। हमको ज्ञात करना है n का मान, n बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम फार्मूले का उपयोग करेंगे। फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन का मान दिया हुआ है 78 बराबर ए का मान है यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये 3 है प्लस एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान है 5। ठीक है, 78 बराबर 3 प्लस इसका इसमें गुणा करते हैं तो 5 एन हो जाएगा और माइनस का 5। ठीक है, अब 78 ये माइनस का है, ये प्लस का है, घटेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस 5 एन। ठीक है, तो ये 78 है, ये बराबर के इस पार जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 2 बराबर 5 एन। ठीक है, तो ये 78 में 2 जोड़ा तो 80 हुआ, 80 बराबर 5 एन। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी 80/5 बराबर एन। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा 5 6 30। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एन बराबर 16। ठीक है, अर्थात 16वां पद 78 होगा। ठीक है, 78 होगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, ये श्रेणी दी हुई है 7, 13, 19 और 205। ठीक है, तो ये ए का मान होता है 7 A1 और ये A2 है 13। तो यहाँ से हम D निकाल लेंगे, D बराबर 13 माइनस 7 बराबर 6। ठीक है, और ये An का मान दिया हुआ है, अंतिम पद है ये। यहाँ पे श्रेणी में कितने पद हैं ये निकालने को बोला है, यानी बोला है कि n बराबर क्या है ये बोला, और ये An का मान दिया हुआ है, An का मान है 205। ठीक है, अब हम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो An बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। An का मान है 205 बराबर A का मान है 7 प्लस
एन का मान है ज्ञात ही करना है, तो एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान है 6, ठीक है। तो ये 205 बराबर 7 प्लस इसका इससे गुणा, तो 6n माइनस 6, ठीक है। यानी 205, ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 6 है, घटेगा तो प्लस का 1 आएगा, प्लस 6n, ठीक है। अब ये बराबर किस पर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो 205 माइनस 1 बराबर 6n, ठीक है। ये घटेगा तो 204 हो जाएगा, 204 बराबर 6n, 204 बटा 6 बराबर n, ठीक है। 6 3 18, 2 5 6 4 24, ठीक है। तो 34 बराबर n, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं n बराबर 34। यानी ये जो श्रेणी दी हुई है, इस श्रेणी में 34 पद होंगे, कितने 34 पद। तो आज के लिए इतना ही, इसमें और भी क्वेश्चन हैं, इनको हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।